दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग Xiaomi Poco F1 में खेलेंगे PUBG और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बैटरी ड्रेन कितना जल्दी होता है, क्योंकि इसमें 4000 मिली एम्पीयर का बैटरी देखने को मिलता है। तो देखेंगे बैटरी कितना जल्दी ड्रेन होता है और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे इसमें हीटिंग का इशू देखने को मिल रहा है कि नहीं, और PUBG का गेम प्ले कैसा है वो तो हम लोग देखेंगे, और ये सब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस डिवाइस में आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिल जाता है, तो हीटिंग उतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग चेक करेंगे इसका हीटिंग कितना होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों गेमिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे। और टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया है, 32.7। और रूम का टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 30.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और स्क्रीन का टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं 32.7 डिग्री टेम्परेचर है। तो गेम खेलने के बाद हम लोग देखेंगे इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा राइज होता है और हीटिंग कितना फील होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पबजी। और यहाँ पे मैं सारा कुछ मोबाइल डेटा के ऊपर ही करूँगा, तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे मोबाइल डेटा के ऊपर गेम खेलेंगे और देखेंगे गेम प्ले कैसा होता है और बैटरी ड्रेनिंग कितना होता है या फिर हीटिंग कितना होता है। और बैटरी ड्रेनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं बैटरी परसेंटेज जो है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे 46% जो बैटरी परसेंटेज है। और इसके बाद हम लोग गेम खेलने के बाद देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है और कितना जल्दी ड्रेन होता है। और देख सकते हैं टाइम हुआ है 1:01। तो चलिए शुरू करते हैं, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक गेम खेलेंगे और उसके बाद देखेंगे हीटिंग इशू या फिर बैटरी ड्रेन कैसा है। और दोस्तों गेमिंग शुरू करते टाइम ग्राफिक्स सेटिंग्स जो है देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हाई पे सेट किया गया है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपको एकदम हाई एंड स्पेक्स मिलता है तो हाई में होना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं और आगे क्या क्या सेटिंग्स आपको करने को मिल जाते हैं वो सब भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको HDR और अल्ट्रा HD में अभी नहीं है, लेकिन HDR तक का आपको गेमिंग प्ले देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्रेम रेट्स में देख सकते हैं अल्ट्रा सेटिंग्स में आप फ्रेम रेट करके गेम प्ले कर सकते हैं, और कलर्स में यहाँ पे अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे जो सेटिंग्स हैं आप हाई करके यहाँ से खेल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा पबजी खेलने में। पबजी आप अपने हिसाब से हाई या लो सेटिंग्स में खेल सकते हैं। चलिए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गेम प्ले कैसा होता है।
दोस्तों पूरे 2 घंटे हो गए, मैंने 1:01 से गेमिंग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसका बैटरी परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हुआ है, और उसके साथ हम लोग देखेंगे इसमें हीटिंग की कोई इशू आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हीटिंग की अगर बात करें, हाथ में होल्ड करके स्लाइट वार्म फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं टेम्परेचर कितना आया है। तो टेम्परेचर देख सकते हैं 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रंट पे, और बैक में देखेंगे तो 38.5, मतलब फ्रंट पे और बैक में 38.5। ऊपर की तरफ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा है, 39.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है। कैमरे के पास में थोड़ा ज़्यादा है, 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैमरे के पास में ऊपर के साइड में थोड़ा टेम्परेचर है। तो ओवरऑल टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे हीटिंग गेमिंग खेलते टाइम बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं हुआ है, तो जो कि काबिल तारीफ़ है, क्योंकि अगर आपने कोई फ्लैगशिप डिवाइस पहले यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास पावरफुल प्रोसेसर होता है तो डिवाइस हीट करता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड कूलिंग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। 38 से 39 तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, और जब मैंने गेमिंग स्टार्ट किया था तो 32.7 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो वहाँ से 38 या 39 बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है और हीटिंग भी उतना फील नहीं हो रहा है, और प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। इतना ही टेम्परेचर अगर मेटल बैक में होता तो और ज़्यादा हीटिंग फील होता, तो यहाँ पर ये एक एडवांटेज है प्लास्टिक बॉडी होने का। लेकिन एक चीज़ से मैं डिसअपॉइंट हूँ, जो कि है इसका बैटरी। अगर आप बैटरी परसेंटेज को देखेंगे तो 13% बैटरी परसेंटेज हो गया है, और हमने स्टार्ट किया था 45% से, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 32% बैटरी डिक्रीज़ हो गया है 1.5 आवर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। हालांकि इसके बाद मैं एक डेडिकेटेड अलग से बैटरी टेस्ट करूँगा, जिसमें मैं एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट करूँगा गेमिंग करने के बाद, और उसके साथ वीडियो प्लेबैक करके देखूँगा कितने देर तक इसका बैटरी सस्टेन करता है। और दोस्तों गेम प्ले की क्या बात करें, गेम प्ले तो यहाँ पे बहुत ही स्मूथ था, कोई फ्रेम ड्रॉप्स या लैगिंग देखने को नहीं मिला था, और पबजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग गेम है तो इसलिए मैंने पबजी को चुना। मैक्सिमम लोग अभी पबजी को ही खेलते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं, तो इसलिए पबजी का परफॉर्मेंस अगर बेटर रहेगा, और पबजी एक बहुत ही हाई ग्राफिक्स गेम है, तो पबजी आपके डिवाइस में चल गया इसका मतलब सारे गेम तो आसानी से चल ही जाएंगे। और यहाँ पर आपको टॉप एंड स्पेक्स मिलता है, तो गेमिंग की क्या बात करें, कोई भी गेम आपको इसमें खेलेंगे तो उस गेम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों इस डिवाइस में गेमिंग के रिगार्डिंग या फिर कूलिंग के रिगार्डिंग या फिर हीटिंग के रिगार्डिंग आप मेरे यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, कंप्लेंट सिर्फ इतना है कि इसका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो आगे देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट से इसको फिक्स किया जाता है कि नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।